हर हर महादेव। और आज हम आए हैं महाकाल भांग भंडार में और इनके ही शॉप ऑनर से जानते हैं जो भांग है भोले बाबा प्रसाद है ये कैसे बनाए जाते हैं इनके यहाँ पे। ये ठंडा ही है, काजू बादाम का पेस्ट है, ये रबड़ी है, नहीं डाली थी ठंडे को और अच्छा बताने के डाली ना। हाँ हाँ, जैसे मौसम के हिसाब से फल डाला जाता है। और ये क्या फल दूध है तो भाई एक तो इनके पास नॉर्मल ठंडे और दूसरा था इनके पास ये भांग जिसे सिर्फ सॉल्ट में छाना जाता है और लोग इसे ऐसे प्रसाद भी लेते हैं और होली पे तो आप जानते हैं इसकी कितनी महत्व होती है। तो चलिए आइए देखते हैं कैसे बनता है ठंडई और शुरू करते हैं अपनी रेसिपी। नमस्कार दोस्तों, मैं शेफ लक्की, स्वागत है आपका हमारे पे आई शेफ लक्की पे। तो भाई आ चुकी है होली और हम बनाएंगे ठंडई। भांग की वीडियो आपने देख ली होगी और हम दूसरी चीज बनाएंगे जो है इंडिया का खुद का प्रोटीन शेक, हम बनाएंगे ठंडई। तो चलिए आइए शुरू करते हैं, होली है। तो भाई ये है आपको बेसिक इंग्रेडिएंट जो चाहिए, खसखस, काजू, किशमिश, बादाम, पिस्ते, साथ में इलायची, सौंफ, काली मिर्च, ये सभी चीज़ों को रखिए दूध के साथ और चलिए बनाते हैं ठंडई। तो भाई प्यारी प्यारी ठंडई बनाने के लिए हम लेंगे सभी चीज़ों को एक जगह पे, काजू, खसखस, इलायची, पिस्ता, बादाम, केसर, काली मिर्च, सौंफ और मगजदाना, रोज़ के पत्ते ऑप्शनल हैं। और इसमें हम डालते हैं थोड़ा सा केसर और इन सभी आइटम को हम कर लेंगे ग्राइंड। आप चाहे तो रात भर इसे सोक करके भी रख सकते हैं। ठंडई का जो बेसिक ड्राई फ्रूट का मिक्सचर है वो तो हमारा तैयार हो चुका है, अब हम इसे मिक्स करेंगे मिल्क में और अगर आप चाहे तो इसमें वो भी मिला सकते हैं। ठंडई के लिए सबसे पहला जो आइटम है वो है दूध और इसमें जाएगा शक्कर अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग और केसर जाएगा अपने बजट के अकॉर्डिंग, वो भी ध्यान देना बहुत जरूरी होता है। और अब अपने ठंडे के मिक्सचर को मिलाते हैं हम दूध में। यहाँ पे दो ऑप्शन आपके पास आते हैं, या तो इसे मिला करके छानिए या तो फिर इसी में डाइल्यूट करिए। मुझे डाइल्यूट करना पसंद है ताकि उसमें थोड़ा थोड़ा क्रंचीनेस भी आता जाए, तो एक अलग मजा आता है। और भाई इसके मिक्सचर मिलने के बाद हम इसमें ऐड करते हैं आइस, उसे भी हम करेंगे मिक्स। और ये हो चुकी है हमारी जो बेसिक ठंडे तैयार। आप इसे अलग अलग तरीकों से बना सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप इसमें कर सकते हैं। सबसे पहले हमने लिए अपनी बेसिक ठंडे और इसे गार्निश किया हमने थोड़े केसर के साथ। फिर हमने बनाए मिक्स फ्रूट, इसमें हमने लिया पाइन एप्पल और फ्रूट्स। ये याद रखिए खट्टे फ्रूट ज़्यादा यूज़ नहीं करना है, दूध फट सकता है, या तो हैंड टू हैंड डाल के उसे कंज्यूम करें। और ये तीसरा हमने बनाया है स्ट्रॉबेरी फ्लेवर, हमने स्ट्रॉबेरी क्रश लिया, आप चाहे तो चॉप स्ट्रॉबेरी भी यूज़ कर सकते हैं। और उसमें डाली ठंडई किया मिक्स और टॉप किया और ठंडई के साथ, ठंडा ठंडा सर्व करिए प्यार से। होली है, मज़ा आएगा, बताइएगा जरूर कैसी लगी आपको ये रेसिपी। अगर सब्सक्राइब भी किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। लव यू और मिलते हैं अगले वीक फिर किसी और रेसिपी के साथ। तो भाई ठंडी ठंडी ठंडाई है तैयार, आप भी पीजिए और होली का मजा लीजिए और बताइए कैसी लगी आपको ये रेसिपी। मिलते हैं अगले वीक किसी और रेसिपी के साथ, तब तक के लिए हैप्पी होली।